तक तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे चलना पड़ता है। हाँ, कैसे चलते हो वैसे ही मैं देख लेता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वापस खड़े हो जाएंगे, कुछ तकलीफ होता है कोई? वापस बैठेंगे एक बार, पालथी लगाएंगे अब। क्या बात, घूम जाओ इस साइड में, बहुत बढ़िया। सर बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ तक कि उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलते हैं तो लचक आती है, लिम्ब आता है, कहीं जाने से डर लगता है, लोग पूछेंगे बताएंगे क्या करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? दर्द होगा आने जाने में, सफर में दर्द होगा। हमारे सारे ही पेशेंट्स की तरह हमें विश्वास है कि आप भी बहुत अच्छे से पेन फ्री चल पाओगे। लाइफ तो ऐसी हो गई थी कि मैं 10 कदम चल नहीं सकता था और सीढ़ी मुझे दो लोग पकड़ के चढ़ा रहे थे। मतलब पैर पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा था मैं। ऐसा लगता है जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। और अभी मैं अपनी बुलेट से चल रहा हूँ खुद की। अभी 2 महीने मेरा ऑपरेशन को हुआ है और मैं अपनी बाइक से अपना ऑफिस आना जाना, और अब मुझे फील ही नहीं होता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या मेरा चेंज है। मैं कार भी ड्राइव करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और शायद मुझे और पहले आ जाना चाहिए था तो 1 साल की तकलीफ से बच जाता। लगभग 3 साल से मैं बैठा नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम आज आपके सामने बैठा हूँ। Hi friends, my name is Dr. D.P. Sharma and I am a consultant specialist in MIS hip surgeries. आज हमारे साथ नितिन जी हैं और आप फतेहपुर से आए हैं। Yes. कितनी परेशानी हो रही है हिप में? ये तो हमें पता है कि हिप में तकलीफ है। सर बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ तक कि उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब उठना बैठना ऐसी चीज़ है, पालथी मारना नीचे बैठना ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा दिन नहीं चलता। जी नहीं। तो आपकी लाइफ पे, काम पे, फैमिली पे, दिमाग पे भी कितना स्ट्रेस पड़ रहा है इस चीज़ का? इस समय तो पूरा स्ट्रेस इसी का है। इसी का स्ट्रेस है। जब आप चलते हैं तो लचक आती है, लिम्ब आता है, कहीं जाने से डर लगता है, लोग पूछेंगे बताएंगे क्या करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? दर्द होगा आने जाने में, सफर में दर्द होगा। यस सर। कितने टाइम से आप इस चीज से सफर कर रहे हैं? सर साल भर हो गया मुझे। साल भर हो गया। अच्छा, और आपने कोर डिकम्प्रेशन भी कराया हुआ है? जी, 10 महीने पहले। 10 महीने पहले कराया हुआ है। तो कोर डिकम्प्रेशन का हम जनरली जो सक्सेस रेट बताते हैं और मानते भी हैं, आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा, करीब 30% मानते हैं। जी, आपने उस दिन बताया अभी काम को, विच इज लाइक वेरी लेस। बेसिकली इसको उल्टा करके बोले तो 70% फेलियर रेट, एक ही बात है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोर डिकम्प्रेशन के साथ? सर बहुत खराब रहा। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। राइट, तो प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ऑपरेशन के पहले। हम ये नहीं कभी भी कहते कि ऑपरेशन बहुत ख़राब है, पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब ये 2 वाक्य हम ज़रूर बोलते हैं ऑपरेशन के पहले कि आपको पता है कि 70% फेलियर रेट है, तो एटलीस्ट दिमाग से परेशान नहीं होता आदमी, फिजिकली तो होता ही है। प्रॉब्लम कोर डिकम्प्रेशन की नहीं है, प्रॉब्लम ये डिजीज़ की है, इसकी आदत ही बढ़ने की है। ये जो बीमारी है ये आगे बढ़ के ही मानती है, चाहे 2 साल बाद बढ़े, चाहे 3 साल बाद बढ़े, चाहे 6 महीने में बढ़े। मतलब ये डिजीज जो है, वैसे एक अच्छी बात ये कि कोई जानलेवा बीमारी नहीं है कैंसर जैसी। हम आज आप हमारे पास आए हो, हम बिकनी MIS टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, और हमारे सारे ही पेशेंट्स की तरह हमें विश्वास है कि आप भी बहुत अच्छे से पेन फ्री चल पाओगे। पर इस बीमारी की यही प्रॉब्लम है कि ये बढ़ती ही है, थोड़े टाइम के लिए थम जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी चक्कर में इसके बीच के जो इलाज हैं काफ़ी सारे। कोर डिकम्प्रेशन तो तब भी आपने साइंटिफिक कराया है। Yes. कुछ लोग तो कपिंग, इंजेक्शन, आयुर्वेद, भाप, ये वो एक डॉक्टर बता रहे थे कि वो इंजेक्शन और ये सब चीजें, जी इंजेक्शन लगाएंगे और ठीक हो जाएगा। Yes. तो आप गए थे ये सब तरीके का ट्रीटमेंट कराने या बच गए? जाके मिल के चले आए। एक बार मन तो करता ही है सबका ही। हाँ। करता है कि एक बार जरा, इतना गा रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के बचा लेंगे तो कुछ तो होता ही होगा, इतने लोग जा रहे हैं।
मेडिसिन चलाई है कई जगह की, राइट राइट राइट, मेडिसिन चलाई है बट उनसे फायदा नहीं होता है, तकलीफ बढ़ दी जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि पैर छोटा भी हो गया है, वीक भी पड़ गया है, दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम कल आपकी सर्जरी करेंगे, लेटेस्ट टेक्निक से करेंगे, बेस्ट इम्प्लांट्स यूज करेंगे वर्ल्ड का, सिरामिक इम्प्लांट्स अनसीमेंटेड, और एक छोटा सा इंजेक्शन आपको कमर में लगाया जाएगा, नीचे का भाग पूरा बेहोश हो जाएगा। एंड वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आप परसों से वापस चल रहे होंगे, पहले सपोर्ट से और धीमे धीमे बिना सपोर्ट, है ना। तो राइट साइड का ऑपरेशन हमने प्लान किया, राइट जी, ठीक है। कुछ डर या कुछ बात आप शेयर करना चाहते हो, आप इतना दूर से आए हो यहाँ पे? यही सर कि जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, और ये होता है ना कि सुबह जब उठे मतलब कहीं जाना हुआ सोचना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और आप इनके ब्रदर हैं, लोग पूछते हैं यार क्या दिक्कत हो गई, हाँ अब उसको पूरा डिटेल, और फिर वो अपना सुझाव भी जरूर देगा, सुझाव देंगे यहाँ चले जाना चाहिए आपको, वहाँ चले जाना चाहिए। अरे वो बहुत अच्छे हैं और वो बाबा बहुत अच्छे हैं। तो ये एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी बन जाती है, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं पूरी फैमिली में। कोई फंक्शन हो, हाँ जाना चाहते तो हैं लेकिन अब नहीं जा सकते क्योंकि आपका दिमाग वही है, दिमाग और फिजिकली भी दर्द भी हो रहा है, ड्राइव करने में भी तकलीफ होने लगती है, पानी वानी जो पर सर ऐसे उठा के रख सकता हूं, और ये वाला सपोर्ट लेना पड़ता है। अच्छा, इसको मोड़ लेते हो तो थोड़ा आराम मिलता है, ऐसे करने पे, ऐसे करने पे। ठीक ठीक, लेफ्ट में अभी कैसा दर्द है आपको? लेफ्ट में ज्यादा है सर, राइट में तो कम है, क्योंकि सुबह मैंने पेन किलर भी खाई थी। सुबह पेन किलर खाइए, क्या खाइए? जीरोडॉल एसपी सर। जीरोडॉल एसपी खाइए। यस सर। तो इसमें दर्द अभी आपको कैसा है? अब जैसे अभी लेटा हूँ तो अभी नहीं है। ठीक है, और इसमें दर्द कैसा है? इसमें तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दर्द नहीं। तो इसको हम पहले देखते हैं, तो इसमें मूवमेंट करते हैं, ये अंदर की तरफ जाएगा क्या? कैसे? ये घुटना जो है मुझे इधर की तरफ चाहिए। एक मिनट सर, दर्द, हाँ अब दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो रोटेशन पूरा खत्म हो गया। अगर हम नॉर्मली देखें तो जब ये मोड़ते हैं तो कंधा बाहर चला जाता है, कंधे से बाहर चला जाता है घुटना, तो इसको एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, अगर हम नॉर्मली ये घुटना ऐसे आना चाहिए, हाँ, तो ये रोटेशन अब इससे ज्यादा नहीं जाता आपका, इससे ज्यादा करूंगा तो दर्द होगा आपको, है ना। तो आपकी पूरी बॉडी हिल रही है, रोटेशन खत्म हो गया है लेफ्ट का भी, है ना। इसको मोड़िए, ठीक है, दर्द हो तो मुझे बता देना, है ना। तो रोटेशन हम चेक कर रहे हैं, बस सर। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गया है, दर्द होता है। इतना ज्यादा कब से हो रहा है आपको दर्द? सर 2-3 महीने हो गया। अच्छा अच्छा, इस पे इसके ऊपर रख सकते हो उसको? ऐसे सर। अच्छा, अब ये नीचे जाएगा? नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा, तो मतलब पालथी आप नहीं मार पाते? नहीं, जैसे ये इतना जाएगा। दर्द हुआ बहुत तेज, दर्द, चलिए सीधा कर देंगे, कोई बात नहीं। पालथी कब मारी थी आपने लास्ट? अरे बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया, 10 महीने से ज्यादा ही हो गया मुझे लगता है। और जमीन पे बैठना? बिल्कुल नहीं सर। कितना टाइम हो गया? तभी से ऑपरेशन के बाद से। तभी से ऑपरेशन के बाद से। अच्छा ठीक है, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे चलना पड़ता है। हाँ, कैसे चलते हो वैसे ही मैं देखना था। मतलब काफी ज्यादा हो रहा है। राइट में लिम्प आता है बहुत तेज। यस सर। तो आज नितिन 3 महीने हो गए या होने वाले हैं? होने वाले हैं, अभी 3 महीने नहीं हुए हैं। 11 दिसंबर को हुआ था सर। 11 दिसंबर को हुआ था, और जो है दोनों साइड अपन को तकलीफ थी जी, इवेंचुअली, है ना जी। आज कितना टाइम हो गया जब से आपको तकलीफ चालू हुई थी? सर 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से ऊपर हो गए? 2 साल तो मैं भटकता रहा इधर उधर। 2 साल भटकते रहे, और आपने जो है कोर डिकम्प्रेशन भी कराया था, ड्राफ्टिंग भी कराई थी, वो उसको कराया कितना टाइम हो गया? उसको कराया लगभग 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया उसको कराए हुए। हमारे पास आप आए थे, उसको अभी के लिए 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं जी। इससे पहले का समय कैसा बीता आपका? क्या तकलीफ हो रही थी, कैसी लाइफ हो गई थी? सर लाइफ तो ऐसी हो गई थी कि मैं 10 कदम चल नहीं सकता था, और सीढ़ी मुझे 2 लोग पकड़ के चढ़ाते थे। 2 लोग पकड़ के चढ़ा रहे थे, मतलब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा था मैं। बिल्कुल प्रेशर नहीं दे। और ऐसी इतनी ज्यादा तकलीफ के साथ कितना समय बिताया? सर लगभग 1.5 साल।
कोल्ड डिकम्प्रेशन के बाद एक साल वैसे ही बीता मेरा। वैसे ही बीता जी। और कोल्ड डिकम्प्रेशन से कितना फायदा हुआ? सर बिल्कुल जीरो ही था वो तो। जीरो उससे मुझे लगता है तकलीफ मुझे और बढ़ी है। और बढ़ गई तकलीफ। अच्छा, और कोर डिकम्प्रेशन के पहले भी जैसे कई लोग ट्राई करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह, कुछ आयुर्वेद वगैरह है, ये सब कुछ आपने ट्राई किया? मैंने मेडिसिन आयुर्वेद तो नहीं लिया था, लेकिन मेडिसिन काफ़ी मैंने इधर उधर इन कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, सबकी मेडिसिन ली। राइट। लेकिन जब तक पेन किलर का असर है हाँ। तब तक तो पेन कम, लेकिन चलने में फिर भी समझ में आता था हाँ। लंबी पूरी दोनों तरफ से लिंपिंग होती थी, लचक आती थी, पैर छोटा बड़ा जो है लगता था पूरा, एक छोटे बड़े का देखने सर 1-1.5 इंच लगभग समझ में आ रहा था। हाँ। और आज दोनों साइड का ऑपरेशन किया हमने, MIS टेक्निक से किया, आप बहुत दूर से आए हमारे पास। आज वो लाइफ को याद करना और आज की लाइफ में कितना अंतर लगता है? सर ऐसा लगता है जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। जमीन आसमान का अंतर लगता है। मुझे ये नहीं सर था कि मैं लाइफ में कभी बाइक चला भी सकता हूँ। हाँ। और अभी मैं अपनी बुलेट से चल रहा हूँ, खुद की बुलेट चला। अभी 2 महीने मेरा ऑपरेशन को हुआ है और मैं अपनी बाइक से अपना ऑफिस आना जाना। अब कैसी फीलिंग आ रही है वो 2 साल को जब याद करते हो? सर बहुत बैड फीलिंग आती है वो तो, और अब मुझे फील ही नहीं होता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या मेरा चेंज है। हाँ। मैं कार भी ड्राइव करता हूँ। हाँ। सब कुछ करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी सारे लोग जो है डरते हैं ऑपरेशन से, और क्योंकि हमारी टेक्निक जो है इतनी एडवांस्ड है तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये सच में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इतना दूर से आए और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और शायद मुझे और पहले आ जाना चाहिए था तो 1 साल की तकलीफ से बच जाता। राइट। तो दोनों साइड का हमने ऑपरेशन किया था, अनसिमेंटेड किया था, और फ्रंट से हमने बिकनी टेक्निक से आपका ऑपरेशन किया था। आप जो है चल रहे हो, नीचे भी आप बैठ पा रहे हो जी, है ना, और तब आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते थे। सर सीढ़ियां और बैठना तो मुझे लगता है 3 साल हो गया था कि मैं बैठा नहीं जमीन पर। 3 साल? और 3 साल बहुत लंबा समय होता है। लगभग 3 साल से मैं बैठा नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आज आपके सामने बैठा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार अपन जो है, हमें याद है कि आप लिम्प के साथ चलते थे, तो एक बार चला के देखेंगे आपको, एक बार लेटा के चेक करेंगे, एक बार स्टेयर्स पे देखेंगे फिर आप। और सर इस टेक्निक से तो मुझे ऑपरेशन का फील ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑपरेशन के 2 दिन से मैं चल रहा था। हाँ। तो मुझे ये फील नहीं था कि ऑपरेशन मेरा हुआ है। हाँ, अगले दिन से आप चलने लगे। अगले दिन से मैं चलना शुरू कर दिया। तो एक बार जो है आप मुझे बैठ के दिखाओ कैसे आप बैठ लेते हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वापस खड़े हो जाएंगे, कुछ तकलीफ होता है? कोई, वापस बैठेंगे एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आप आए थे हमारे पास ऑपरेशन के पहले जी, तो हम जब मूवमेंट करते थे तो आपको बहुत दर्द होता जी। था। अब ये दर्द में बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल दर्द नहीं, नहीं। ठीक है। आप कैसे मूवमेंट कीजिए, कोई दर्द नहीं। फ्री लगता है बिल्कुल सर। और पहले कैसा था? पहले सर तो ऐसे नहीं हिलता था। अब और आप ऐसे कर दीजिए, अब चाहे ऐसे रख लीजिए। अब खुलता भी नहीं था पहले आपका? पहले सर इससे ज्यादा नहीं जाता। अब पूरा जाता है अब आपके? चलिए। तो अब पालती आपने लास्ट कब लगाई थी? सर लगभग 3 साल हो गया। चलो तो आज आपका 3 साल खत्म करें, ठीक है। अभी तक आपके डर से लगाई नहीं मैंने। चलिए तो पालती लगाएंगे अब। क्या बात है, घूम जाओ इस साइड में, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट नितिन जी आए थे वो कितना सीवियरली लिम्प कर रहे थे। एक और बात दोस्तों हमने खास इनकी देखी है, जो एक्सरे इनके ऑपरेशन के पहले थे, कि इनको जो है कोर डिकम्प्रेशन विद बोन ग्राफ्टिंग किया हुआ था। आप देख रहे हो दोनों साइड में ही वाइट वाइट जो आपको लाइन दिख रही है वो बोन ग्राफ्टिंग की लाइन है। बट उसके कुछ महीने बाद, 1 साल भी ये उसको सर्वाइव नहीं कर पाए, लिम्पिंग इनकी बढ़ती गई, तकलीफ इनकी बढ़ती गई और दोनों ही साइड में कोलैप्स हो गया इनका। दोस्तों हमने बिकनी MIS THR किया, नेक्स्ट डे से ही ये चलने लगे थे और आज आप देख रहे हो ये सब कुछ काम कर रहे हैं। जब ये चलते हैं तो विश्वास ही नहीं होता कि इनका ऑपरेशन हुआ है। एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ये हमारी OPD में आए थे, दूसरे पेशेंट जो थे वो ऑपरेशन के पहले के लिए आए थे, प्री OPD आई थी। तो वो आए और हमने उनको बोला कि आप घबराइए मत, बहुत अच्छे हो जाएंगे आप, आपके जो पहले ये गए वो उनका हिप रिप्लेसमेंट हो चुका था। तो वो माने ही नहीं कि इन, ये तो लग ही नहीं रहे थे हिप रिप्लेसमेंट करे हुए। तो इस तरीके के कुछ हमें रिजल्ट्स जो है मिलते हैं बिकनी MIS THR से, बिकॉज हम कोई भी मसल्स नहीं कट कर रहे हैं। इम्प्लांट पोजीशनिंग आप देख रहे हैं ये एक्सरे में कितनी एक्यूरेट है, वेल फिटिंग कप है, कोई भी स्क्रूज यूज़ नहीं करे गए हैं इसमें, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी
कि हम इनको एक पेन फ्री लाइफ दे पाए। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है या फिर अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आके दिखा सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी बुक कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आपके कुछ भी काम आ पाएँ। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।